हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कैम ड्रिंकर वेयर वी एंजॉय केमिस्ट्री लाइक अ ड्रिंक इन दिस वीडियो वी विल कवर टू टॉपिक्स फर्स्ट इज़ फिशर्स लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड द सेकंड वन इज कोशलैंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस तो फिशर और कोशलैंड दोनों ही साइंटिस्ट ने हमें एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में बताया है मतलब कि कोई भी एंजाइम है वो किस तरीके से एक्शन करता है इसके इसके लिए ही दोनों ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी है तो इन नाइनटीन एट टी इन एट्टीन नाइन्टी एट एम एल फ़िशर प्रपोज लॉक एंड की मॉडल टू एक्सप्लेन एनजामेटिक एक्शन मतलब जो फुल नेम है वो क्या है एमिलिशर एम एल फ़िशर ने एट्टीन नाइन्टी एट में अपनी एक थ्योरी प्रपोज की जिसे हम क्या कहते हैं लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं और ये एक्सप्लेन किया था उन्होंने एंजाइमेटिक एक्शन को समझाने के लिए अभी इतना हमें पता है कि जो भी एंजाइम होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्टेट से ही रिएक्ट कर सकता है सबसे नहीं करता ठीक है अब फिशर्स लॉक एंड की हाइपोथेसिस का जो मेन पॉइंट है जो मेन चीज़ थी वो ये थी फिशर ने जो बताई थी, थी कि जो भी कोई भी एंजाइम होती, होती, होती है उसकी जो एक्टिव साइड होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिट होती है बहुत ज़्यादा रिजिट होती है अब एक्टिव साइट क्या होती है सबसे पहले वो देख लीजिए जैसे ये कोई एंजाइम है जो येलो कलर से दिख रहा है और ये कोई सबस्टेट है ठीक है तो जो एंजाइम है वो सबस्टेट से जिधर से सबस्टेट हमारा अटैक करता है एंजाइम के साथ जुड़ता है वो जो साइट होती है वो एक्टिव साइट कहलाती है यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ये वाली है हमारी ठीक है और ये वाली जो आपको साइड दिख रही है पूरी राउंड वाली ये होती है इनएक्टिव साइड मतलब हमारा अगर सबस्ट्रेट इधर से रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा सबस्ट्रेट को किधर से रिएक्ट करना है इधर से रिएक्ट करना है तो ये एक्टिव साइड कहलाती है तो जो फिशर थे उन्होंने क्या बताया था कोई भी एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइड होती है बहुत ज़्यादा रिजल्ट होती है मतलब वो अपना शेप चेंज नहीं करती है ठीक है अब दूसरा पॉइंट क्या था इनका एन एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ वेरी लार्ज बट द एक्टिव साइड्स विच आर कम्बाइन विद सबस्ट्रेट कम्पेरेटिवली स्मॉल मतलब कोई भी एंजाइम है उसकी आप देख सकते हैं ये जो एक्टिव साइट है ये स्मॉल होती है और ये जो हमारी इनएक्टिव साइट होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है ठीक है तो अभी यहाँ पे क्या है कोई भी सबस्ट्रेट है एक एंजाइम है सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे अटैक करेगा और हमें एक नया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ठीक है और फिर हमको क्या मिलता है एंजाइम अलग मिल जाता है और प्रोडक्ट्स अलग मिल जाते हैं ठीक अब जो फिशर और कोचलैंड है इन्होंने दोनों ने एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में बताया है फिशर का मेन पॉइंट क्या है हमारा कि जो भी एंजाइम होती है उसका जो एक्टिव साइट है वो क्या होगी रिजल्ट होगी लेकिन कोचलैंड ने क्या बताया अपनी हाइपोथेसिस में वो अब आगे देखते हैं तो अब पढ़ते हैं कोचलैंड इंड्यूस्ड है, फिट हाइपोथेसिस इन्होंने क्या बताया ये भी कुछ कुछ वैसा ही है बट इसमें चेंज क्या है बस इतना सा चेंज है कि जो फ़िशर थे उन्होंने बोला कि एक्टिव साइड क्या होगी रिजिट होगी बट जो हमारे कोचलैंड है कोचलैंड ने क्या बोला कि एक्टिव साइड रिजिट नहीं होगी एक्टिव साइड सब के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकती है एडजस्ट कर सकती है ठीक है मतलब अपनी कन्फर्मेशनल में चेंज कर सकती है बस इतना सा अंतर है कोचलैंड की और फिशर की हाइबोथिस में जो हमारे फिशर थे उनकी हाइपोथेसिस को हम लॉक एंड की कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस और जो कोशलैन की हाइपोथेसिस है उसको हैंड इन अ ग्लव मॉडल भी कहते हैं जैसे लॉक एंड की से हमें क्या समझने को मिलता है मतलब एक पर्टिकुलर चाबी है वो एक पर्टिकुलर ताले को ही खोल सकती है ठीक है अब हैंड इन अ ग्लव का क्या मॉडल है कि कोई भी ग्लव है इसे आप पहनते हैं तो ग्लव अपने को एडजस्ट कर लेता है हो सकता है कोई दूसरा बंदा अगर उस ग्लब को पहनेगा और वो हाथ डालेगा ग्लब में तो क्या होगा ग्लव उसके हाथ को भी उसके हाथ के अनुसार को अपने आप को एडजस्ट कर लेगा थोड़ा सा अपने शेप में चेंज कर लेगा सेम यहाँ पर है इन्होंने क्या बोला दिस मॉडल वॉज गिवन बाई कोशलैंड एंड इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम लॉक एंड की मॉडल लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था फिशर ने ठीक है अब दूसरा क्या है द इंड्यूस फिट मॉडल स्टेट्स दैट द एक्टिव साइट ऑफ एनी एंजाइम विल अंडर गो कन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब एक्टिव साइट आपको पता है ना क्या होती है एक्टिव साइट कोई भी एंजाइम की एक्टिव साइट वो होती है जहाँ पे सब्सट्रेट के अटैक करता है ठीक है तो क्या होगी इन्होंने क्या बोला बेटा इन्होंने बोला द इंड्यूसड फिड मॉडल स्टेट्स दैट द एक्टिव साइट ऑफ एनी एंजाइम विल अंडर गो कन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब एक्टिव साइट चेंज कर सकती है अपनी कन्फर्मेशनल को शेप में चेंज कर सकती है बैंड वाइंडिंग अबस्टेट टू इम्प्रूव फिट जब भी सबस्टेट उससे बाइंड होगा अभी मैंने बोल दिया था दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हैंड इन अ ग्लव मॉडल ठीक है अब ये थोड़ा सा ये समझ लीजिए फिर आपको पूरी कोचल की इंडिये बोल हाइपोथेसिस समझ में आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम है एक सबस्टेट है और ये क्या है ये है हमारी एक्टिव साइट ठीक है सबस्ट्रेट आप देख रहे होंगे कि सबस्टेट का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज है एंजाइम की एक्टिव साइट से तो यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा जिस तरीके से हमारा सबस्टेट है और क्या बनेगा ई एस सी का मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसके बाद हमको क्या मिल जाएंगे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और एंजाइम अलग हो जाएगा बस इतना सा चेंज है कोस्टलैंड फिट हाइपोथेसिस और फिशर हाइपोथेसिस में ठीक है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइज बाय द यूज़ ऑफ इनहिबिटर्स थैंक यू सो मच